स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल VIP एडवांस टैग में। वेलकम टू VIP एडवांस टैग। आज है हमारा 10 क्वेश्चन करने की बारी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्ज़ाम्स जो भी हुए हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम जो हुए हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जितने भी आपके सामने मैं कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और इन क्वेश्चंस के बारे में डीपली जानेंगे। जो कि क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड रखे हैं, आपके लेवल के रखे हैं। आपका लेवल हाई है तो इसलिए हाई लेवल के क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले से हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात है आपसे कि प्लीज़ आप अपने घर में रहिए। अपने घर में रहेंगे तो भी हम सेफ हैं, अदरवाइज़ हम सेफ नहीं हैं। क्योंकि कोरोना वायरस आप सभी जानते हैं कि कितनी तेज़ी से फैल रहा है, और ये वायरस छुआछूत की बीमारी से है, ठीक है, हवा में तो है नहीं। तो इसके बारे में आप अवेयर रहिए, प्लीज़ अपने घर में रहिए, हमारे आपसे विनती है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहले से, जो कि क्वेश्चन हमारे सामने, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है, ठीक है। अब ये देखिए, कुटीर ज्योति योजना है तो यहाँ पे आप ज्योति समझ पा रहे होंगे कि कुछ ना कुछ बिजली का यहाँ पे कनेक्शन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, जो कि आपके सामने ऑप्शन है चार, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। गाँवों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना इसका मकसद था, या फिर ग्रामीण बेरोजगार युवकों में रोजगार का प्रोत्साहन देना था, या गरीबी रेखा के निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना था, या उपरोक्त सभी सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। तो आपको इसमें एक ऑप्शन चुनना है जो बिल्कुल सही है। बताइए कौन सा उसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर सी चुना है, गरीबी रेखा से निचले स्तर के ग्रामीण परिवारों को बिजली देना, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि इसका राइट आंसर यही हो जाता है। अब देखिए, ये जो योजना थी दोस्तों, कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 1988 से 1989 के बीच में, ठीक है, 1988 से 1989 तक, ठीक है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसके अंतर्गत गरीब लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया जाता था, ठीक है, बिजली का कनेक्शन की सहायता दी जाती थी। और जो कनेक्शन था दोस्तों, 400 रुपये में यहाँ पे कनेक्शन हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मदद दी जा रही थी 400 रुपये की, और इसके साथ साथ बिजली का कनेक्शन भी फ्री हो रहा था, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुटीर योजना आपके सामने जब भी आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका सही आंसर लगा देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर दो है हमारे, कि भारत में किस शहर में महलों का शहर कहा जाता है, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है। आपको इसका आंसर देना है दोस्तों, फटाफट से आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर चुना है बी, कोलकाता, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि कोलकाता ही इसका राइट आंसर हो जाता है। कोलकाता में क्या है दोस्तों, ये भारत के प्रसिद्ध जो महल है वो कोलकाता में पाए जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे महलों के शहर के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। कोलकाता में दोस्तों एक चीज़ हो रहा है, हावड़ा ब्रिज आपने सुना होगा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब इसकी थोड़ी सी डीप में जाते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। देखिए, हुगली नदी के बाईं ओर कहाँ पर है दोस्तों, हुगली नदी के बाईं ओर पश्चिम बंगाल की राजधानी है ये। किसकी? पश्चिम बंगाल की राजधानी हुगली नदी के बाईं ओर, ठीक है। और कोलकाता के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ, भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है ये, ठीक है, और पाँचवा सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। और इसका नाम दोस्तों कोलकाता कब पड़ा था, 1 जनवरी 2001 को इसका नाम कोलकाता पड़ा था, ठीक है। और इससे पहले इसका नाम आप सभी जानते होंगे कैलकाटा था। क्या था? कैलकाटा, यहाँ पे इसका कोलकाता का पुराना नाम था। नया नाम कब रखा गया? 1 जनवरी 2001 को यहाँ पे इसका नाम रखा गया। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ठीक है, कोलकाता की ही इमेजेस हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमें इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उम्मीद करता हूँ आपके सामने जब भी ये क्वेश्चन आएगा महलों का शहर, तो आप सही सही इसका आंसर कोलकाता के साथ में लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक है। ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान नहीं है, यहाँ पर केवल शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको सही सही देना है, जल्दी से फिर इसका आंसर आप मुझे दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर ए चुना है, तो बिल्कुल सही चुना है, जिसका राइट आंसर हो जाता है शिमला, ठीक है। शिमला इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और शिमला दोस्तों कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, शिमला की लोकेशन क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए, मैं आपको शीतोष्ण कटिबंधीय के बारे में बता देता हूँ।
अब दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो अनुसंधान है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगेन टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप फॉरेस्ट से समझ पा रहे होंगे कि जो जंगलों के बारे में रिसर्च होती है, ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए वो कहाँ पर होती है, ये हमें पता चला कि शिमला में होती है, ठीक है। अब केंद्रीय, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र वो उसका जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, वो है दोस्तों देहरादून में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। जब भी आपके सामने केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आएगा तो आप देहरादून आंसर लगाएंगे, और जब आपके सामने केवल शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र आएगा तब आप इसका आंसर शिमला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों शिमला पड़ता कहाँ पे, शिमला की लोकेशन हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में HP, और देहरादून की उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में मैनग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है, बताइए दोस्तों सबसे अधिक जो मैनग्रोव वन पाए जाते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स अगर आपने इसका राइट आंसर चुना है सिक्किम, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, तो बिल्कुल गलत चुना है क्योंकि इसका राइट आंसर सिक्किम नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आप सभी जानते हैं, हमने पीछे डिस्कस किया था कोलकाता जिसकी राजधानी, सॉरी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। अब मैनग्रोव वन आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि मैनग्रोव वन क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि मैनग्रोव वन होता क्या है। देखिए ये जो मैनग्रोव वन है इसमें जो वनों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है, वो जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों के संग्रहण क्षेत्र से बनते हैं, ठीक है। जो दोस्तों जीव जंतु होते हैं ना जब वो मर जाते हैं, ठीक है, तो धरती में दफन हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम जिसके द्वारा पेट्रोलियम भी बनता है, तो ऐसी जगह पर ये पेड़ पौधे ज़्यादा उगते हैं, मैनग्रोव वन जो होते हैं। और दोस्तों इसमें जो है जिनमें क्षार सहन करने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, जो मैनग्रोव वन में पेड़ पौधे पाए जाते हैं ये क्षारीय होते हैं और इनमें क्षार ग्रहण करने की बहुत ज़्यादा क्या होती है दोस्तों, क्षमता होती है, यानी कि समुद्र का पानी खारा है, ठीक है, क्षारीय है, तो वहाँ का पानी दोस्तों ये आराम से सहन कर लेते हैं। अब विश्व का, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात है दोस्तों, ये ऊपर की देख लेंगे एक बार, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो विश्व का दोस्तों लगभग 5% जो मैनग्रोव है ना वो भारत में पाई जाती हैं, कितनी, 5% मैनग्रोव वनस्पतियाँ वो भारत में पाई जाती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए यहाँ से हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, उम्मीद करता हूँ जब भी आपके सामने मैनग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र की बात करेगा तो आपका राइट आंसर पश्चिम बंगाल के साथ में चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर लेक डिस्ट्रिक्ट मैंने हिंदी में लिखा है, इसका मैं आपको मतलब बता देता हूँ। लेक डिस्ट्रिक्ट का मतलब हो जाता है, लेक का मतलब होता है हिंदी में झील, और डिस्ट्रिक्ट का मतलब आप जिला समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताने कि लेक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कौन सा है, वो चार ऑप्शन आपके सामने और टाइम भी है, तो फटाफट से आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने इसका राइट आंसर चुना है शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो बिल्कुल गलत चुना है क्योंकि शिमला इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाता है नैनीताल। नैनीताल को हम लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि झीलों का जिला, झीलों का जिला को हम नैनीताल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर ए के साथ में चला जाता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्लिक कर रहा हूँ कि नैनीताल जिला है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा नैनीताल के बारे में बता देता हूँ। अब देखिए नैनीताल उत्तराखंड का एक जिला है, ये तो आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बताया। अब देखिए नैनीताल में जिले में जगह जगह झीलें पाई जाती हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी दूरी पर यहाँ पे झीलें पाई जाती हैं नैनीताल में, क्योंकि पहाड़ों पर बसा हुआ एक जिला है, ठीक है। नैनीताल की झीलें हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। चलिए दोस्तों मैंने आपको वहाँ पर नैनीताल उत्तराखंड का जिला है, नैनीताल जिले में जगह जगह झीलें हैं, और इसके बाद मैं बताता हूँ कि नैनीताल की झीलें हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं, ये हिमानी के द्वारा बनती हैं, ठीक है। हिमानी क्या है दोस्तों, हिमानी के बारे में आपको पता होगा, बर्फ़ का एक टीला होता है ये, ठीक है, जो क्या होता है हिमानी से पिघलता है पानी, और ये कहाँ पर जाके इकट्ठा हो जाता है, झीलों में जा कर के इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाता है नैनीताल, जो कि इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ यहाँ पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारत के देखिए
पश्चिमी तट को। पश्चिम का मतलब है जिधर हमारा महाराष्ट्र, केरल, गोवा ये वाले राज्य हैं, ठीक है। तो उस भाग को हम क्या कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके सामने क्या हो जाता है, ऑप्शन भी आपके सामने, टाइम भी है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए आपके सामने टाइम स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका जो ऑप्शन नंबर चुना है ए, कोंकण तट, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि इसका राइट आंसर कोंकण तट के साथ में चला जाता है, ठीक है। चलिए अब आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कोंकण तट क्या है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है। कोंकण तट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, यह 720 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, समुद्र तट है। अब देखिए, समुद्र तट गुजरात से स्टार्ट होता है, क्योंकि गुजरात आधा जो है वो स्थल है और आधा क्या है, जलीय है। तो ये गुजरात से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये भारत के पश्चिमी तट का पर्वतीय अनुभाग है। क्या है? पर्वतीय तट, पर्वतीय पश्चिमी तट का अनुभाग है, ठीक है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के और गोवा के जिले आते हैं कोंकण तट में, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके सामने जब भी यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर कोंकण तट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि भारत में कृष्ण क्रांति उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित क्या है? तो कृष्ण क्रांति से आप सभी समझ पा रहे होंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं टाइम देता हूँ आपको, बता दीजिए फिर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका राइट आंसर चुना है बी, कच्चा पेट्रोलियम, बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि इसका देखिए कृष्ण क्रांति जब भी आपके सामने आएगा तो पेट्रोलियम से संबंधित इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कच्चा पेट्रोलियम इसका सही उत्तर होता है। अब आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा इस क्वेश्चन में ज़रूर कुछ ना कुछ। चलिए मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, भारत में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन तटीय क्षेत्रों में होता है। तटीय क्षेत्रों से मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया जो समुद्र के तट पर पाए जाते राज्य हैं उनमें इसका सर्वाधिक उत्पाद होता है, ठीक है। और संपूर्ण भारत में कच्चे तेल का भंडार 6762.74 मिलियन टन है, ठीक है। ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है, कितना है, 762.74 मिलियन टन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमारा थोड़ी हवा चल रही है, ठीक है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन भी है आपके सामने, टाइम भी है, तो फिर इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, आंसर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका राइट आंसर चुना है बी वाला, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि इसका राइट आंसर बी के साथ में चला जाता है। अब यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आपने सुना तो होगा कि भूकंप आ रहा है, तूफान आ रहा है, लेकिन ये भूकंप और तूफान आता कैसे है? क्या भगवान जी फूंक मारते हैं आसमान से, फिर आता कैसे है भूकंप? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, ठीक। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी ठीक है, जिसको आता है तो ठीक है, जिसको नहीं आता वो मैं बता रहा हूँ। भूकंप कैसे आता है पृथ्वी पर, ये इस डाउट में मत रहिएगा कि भगवान जी फूंक मारते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ कि देखिए, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, इसलिए गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। ये दोस्तों सेंसिटिव यहाँ पे मैदान है, संवेदनशील है बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, भूकंप सबसे ज़्यादा आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भूकंप कैसे आता है। अब देखिए, पृथ्वी की गहराई में स्थित जो दरारें हैं, ठीक है, इसकी गहराई में कुछ दरारें भी पाई जाती हैं, आप सभी जानते हैं, कमज़ोर सतह भी पाई जाती हैं। कहीं पर तो पृथ्वी की जो सतह है वो ठोस है और कहीं पर बहुत ज़्यादा दलदली है, ठीक है, दलदली इलाका भी होता है बहुत जगह, और दरारें भी होती हैं इसमें, ठीक है, और इसमें हलचल होती रहती है, जैसे कि कहीं पर दलदल है तो
तो कहीं पर ठोस है, जब वो आपस में मिलते हैं तो दलदल वाली जगह दबती रहती है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी हलचल इस तरीके से इसमें मच जाती है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, कंपन उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? कंपन उत्पन्न हो जाता है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहुंचकर भूकंप का कारण बन जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? भूकंप का कारण बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे भूकंप आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे कि जो पर्वत बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पर्वत कैसे बनते हैं। अगर आपको पता है पर्वत बनते कैसे हैं, तो फिर ये चलिए आप इसका आंसर मुझे दे दीजिएगा कि पर्वत बनते कैसे हैं। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा जो कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल वाला होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उम्मीद करता हूँ जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना कहाँ रहती है, तो यहाँ आप गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदान में इसका राइट आंसर लगा देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? समुद्र तट भारत में सबसे लंबा कहाँ है, ये आपको बताना है बिल्कुल सही सही, ठीक है। तो आपके सामने कुछ बीचों के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका आंसर मुझे बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका राइट आंसर चुना है मरीना बीच, जो कि फोर्थ वाला ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि मरीना बीच पर ही समुद्र का सबसे लंबा तट है। अब आपके दिमाग में समुद्र तट तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये मरीना बीच क्लिक कर रहा होगा कि मरीना बीच क्या है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मरीना बीच जो है वो चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर है? चेन्नई में। अब ये चेन्नई कहाँ है? तो चेन्नई तमिलनाडु है। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु हमारा सबसे दक्षिणतम राज्य है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसकी लंबाई है 13 किलोमीटर। कितनी है? 13 किलोमीटर इस बीच की यहाँ पर लंबाई है, ठीक है। चलिए सारे बीचों के बारे में फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। फिर सबसे ए ऑप्शन में आपके सामने है चपोरा बीच, ये वाला बीच है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। क्या है? नहीं, गोवा वाले बीच पे, ये गाना नहीं है, ये 10 किलोमीटर वाला लंबा है। कौन सा? चपोरा बीच गोवा में पड़ता है और ये 10 किलोमीटर वाला लंबा है। फिर वो उसके बाद में आपके सामने दीव तट बीच, ये है पड़ता है आपको केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में। उसके बाद है अक्षद्वीप, ये पड़ता है मुंबई में। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे मरीना बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखिए निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स किस राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है, या किस देश में पाई जाती हैं? अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ जो आपके सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सही सही आंसर बताना है। उम्मीद है यार ये तो आप आंसर सही दे ही देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका राइट आंसर चुना है सऊदी अरब, क्या चुना है? सऊदी अरब, जो कि बी ऑप्शन है, तो बिल्कुल ही गलत चुना है, क्योंकि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं होती है। वो है अपना देश भारत, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। यहाँ पे आपके दिमाग में ट्यूबवेल क्लिक कर रहा होगा। जो गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उन्हें समझ में आ चुका होगा कि ट्यूबवेल्स क्या होते हैं। जो नहीं करते हैं वह मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आप सभी के मोटर घर में मोटर तो होंगी ना, मोटर जिससे पानी निकलता है धरती में से और आपका टैंक भर जाता है, ये वही है। ये ट्यूबवेल थोड़ा सा मोटे पाइप का होता है जो धरती में चला जाता है और मोटर द्वारा पानी ऊपर निकाला जाता है, जिससे कि किसानों के खेत जो खेत होते हैं उनमें सिंचाई हो जाती है। अब यहाँ पे भारत है, ठीक है। अब देखिए बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर कि जो है सिंचाई क्षेत्र है भारत में, जो कुल सिंचाई क्षेत्र है उसका 57%, कितना? 57% यहाँ पे दोस्तों ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। किससे? ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, ध्यान रखेंगे इस बात का। 57% जो आपका 43% बचता है वो हमारा किसके द्वारा होती है? कुछ नदी के द्वारा हो जाती है, कुछ बारिश से ही हो जाता है काम, ठीक है। अब मैं आपको 5 राज्य बता देता हूँ जिसमें भारत में भी सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा सिंचाई वाले, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। उसके बाद आता है पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक बार फिर से, शीर्ष 5 राज्य नलकूप के क्षेत्र में जो सिंचाई करते हैं, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल सही है दोस्तों ये वाला, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे थे, सारे ही एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए,
प्लीज़। और फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपने घर में रहिए, मोदी जी का साथ दीजिए, क्योंकि यह कोरोना वायरस अगर एक बार लग गया ना तो फेस टू फेस भगवान से मिलन करा ही देगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सचेत होने की हमें ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर गाइज, बाय बाय।